पूर्व विधायक स्मृति शेष उपेंद्र तिवारी हरदोई की स्मृति में लखनऊ रोड स्थित कैम्ब्रिज स्कूल में प्रेम मूर्ति प्रेम भूषण जी महाराज की 7 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। जानकारी देते हुए कथा आयोजक राजमंत्री रजनी तिवारी ने बताया कि 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक कैम्ब्रिज स्कूल में श्री राम कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। राम कथा प्रेम मूर्ति प्रेम भूषण जी महाराज के मुख से हरदोई वासियों को सुनने का शुभ अवसर प्रभु श्री राम की कृपा से ही मिल रहा है। वे तो निमित्त मात्र माध्यम बनी है। उन्होंने सभी जनपद वासियों से अपील की है कि इस शुभ अवसर का लाभ उठाते हुए प्रेम भूषण महाराज की दिव्य श्री राम कथा का रसपान करने अवश्य पधारें। उन्होंने बताया कि राम कथा स्थल पर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राम कथा प्रेमियों के बैठने की समुचित व्यवस्था की जा रही है। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। इसका उद्देश्य क्या है और आप हरदोई वासियों से क्या कहना चाहेंगे? 15 अक्टूबर से लेकर के 21 अक्टूबर तक प्रेम भूषण महाराज जी के श्रीमुख से राम कथा का आयोजन हो रहा है। ये संयोगी है कि बहुत लंबे समय से इच्छा थी, प्रेम भूषण महाराज जी के सामने बात रखी और उन्होंने सहर्ष उसको स्वीकार कर लिया और हम सबको सुनने का अवसर मिलेगा। ये अवसर है, ऐसे ही नहीं मिलते। जब ईश्वर की इच्छा होती है तभी ऐसे कार्यक्रम होते हैं और उससे कोई एक व्यक्ति नहीं पूरा वहाँ का वातावरण ही शुद्ध हो जाता है। जनपद वासियों से हम अपील करना चाहेंगे कि रामकथा का भव्य आयोजन है, ईश्वर की कृपा से ये आयोजन हो रहा है, आप सब लोग इसको सुनिए। तो बहुत ही वैसे भी भगवान राम का आयोजन वैसे ही बहुत बड़ा भव्य है, रामकथा अपने आप में ही बहुत भव्य आयोजन है और आप जब सारे लोग आकर के सुनेंगे तो और भी ये भव्य आयोजन होगा। किस जगह पे आयोजन है? ये अपने हरदोई में ही कैम्ब्रिज स्कूल में इसका आयोजन हो रहा है। ने पूछ लिया।